छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच सियासी तापमान भी बढ़ने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ जीत की रणनीति बनाएंगे, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता के सबसे बड़े संग्राम का मैदान सज चुका है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में मैदान मारने का मंत्र देंगे। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम और चुनावी जीत की रणनीति बनाएंगे। बैठक में अमित शाह बस्तर, कांकेर और महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के जांजगीर में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे और उसके बाद जांजगीर आकर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से फिर बिलासपुर में सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल सभागृह हाई कोर्ट के सामने प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। माननीय अमित शाह जी के प्रवास को लेकर आम जनता कार्यकर्ता में काफी उत्साह का वातावरण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का मैदान मार चुकी बीजेपी को यह भरोसा है कि लोकसभा की सभी 11 सीटें उसी के खाते में जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। 25 फरवरी को अमित शाह का एमपी दौरा है। खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल आएंगे गृह मंत्री, बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह।